पॉइंट्स रखे हैं कि इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए उसको अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें और उसके बाद सरकार बनने के बाद उस पर क्रियान्वयन कराएं ताकि इंडस्ट्री का बेनिफिट हो सके और इंडस्ट्री अच्छी तरीके से चल सके। सर नाम जानना चाहेंगे और ये किस मतलब किस उद्देश्य से ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बताया मैंने आपको कि हम सारी रूलिंग सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इंडस्ट्री को एक कभी भी स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया है और हमेशा मैनिफेस्टो में आप देखते हैं जनता के लिए तो होता है लेकिन कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के लिए नहीं होता। तो हमारी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं जो हम चाहते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पहुँचे। वो जो भी मैनिफेस्टो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो भी मैनिफेस्टो अपना हो उसमें पॉइंट्स इंक्लूड करें जिससे इंडस्ट्री का भविष्य बेहतर हो, हम ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकें, ज़्यादा टैक्स दे सकें गवर्नमेंट को, इसलिए सारे पॉइंट्स इंक्लूड करें। पॉइंट्स 10 हैं, आपको मैं कॉपी दे दूंगा, आप पढ़ लें। पॉइंट्स में एक दो मैं बीस ब्रीफ आपको कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक पॉइंट है कि हमारी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है फैक्ट्री उसको फ्री होल्ड किया जाए जिससे आसानी से हम उसमें और व्यापार कर सकें, उसके लाइसेंसिंग में दिक्कत ना हो, ट्रांसफ़र कराने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक पॉइंट है कि हाउस टैक्स इंडस्ट्री पे 7.5 गुना लगता है जो कि नॉर्मली 3 गुना लिखा हुआ है एक्ट में जी, लेकिन वो कैलकुलेशन ऐसी है कि उसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है जी। इसके अलावा और कई सारे पॉइंट्स हैं जैसे सोलर रूफ टॉप का बेनिफिट पहले सबको मिल रहा था, उसका हम लोगों को क्रेडिट मिलता था, वो क्रेडिट बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसमें इंडस्ट्रियल लैंड का अलग से प्रोविजन किया जाए कि वहाँ आदमी इंडस्ट्री लगा सके, कम रेट में प्रोवाइड की जाए, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक इंडस्ट्री भी आएगी जी। तो प्रॉपरली वहाँ पे हम लोग को एक अलग से टाइम दिया जाए। मंडी शुल्क दोबारा शुरू कर दिया गया है जिसमें कि मंडी में अगर गाड़ी नहीं भी जा रही, मंडी में प्रोडक्ट नहीं भी जा रहा, बाहर से बाहर जा रहा है, उस पर भी टैक्स लग रहा है, ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा काफ़ी 2-3 पॉइंट्स और हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो भी सरकार की नीतियाँ हैं ये व्यापारियों को ध्यान में रख के भी डालनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों से ही सरकार है, क्योंकि हम लोग जितना भी टैक्स वगैरह दे रहे हैं उससे ही सरकार अपना सब चला रही है। इसलिए हमें कोशिश है कि सरकार हम लोगों का भी ध्यान में रख के अपनी नीतियाँ बनाए। कोई एक ऐसा हमारा भी एक समूह का एक नेता वगैरह होना चाहिए कि वो बताए कि MSME में कि यहाँ पर आप ये चीज़ें देंगे तो फ़ायदा होगा, ये सब करेंगे। आज जितने भी नीतियाँ बन रही हैं उसमें व्यापारियों को नहीं रखा जा रहा, इससे बहुत दुखदाई है। सिंगल विंडो तो बना दी, पर सिंगल विंडो के लिए भी प्रावधान ये नहीं है कि एक बार में काम वो निपटे, उसके लिए भी बहुत हरेस करा जा रहा। हर फील्ड में व्यापारी इस समय परेशान हो रहा है। चाहे मंडी शुल्क है, मंडी शुल्क भी इन्होंने 3 महीने पहले हटा दिया था, लॉ हटाने से पहले किसान जी। उसके बाद भी जब अभी चेंज करा तो यूपी गवर्नमेंट ने फिर से ये लागू कर दी, जिससे बहुत इंडस्ट्रियों पर इम्पेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो प्लाईवुड हो, किराना मंडी हो, सबकी हो। इसे हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि बाहर कोई व्यापार करेगा, यूपी में तो 1.5% टैक्स लगा है, बाहर नहीं है, तो यहाँ के व्यापारियों को परेशानी होगी माल बेचने के लिए भी, क्योंकि उनके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे क्योंकि वो इतना टैक्स पेयर कर रहे हैं। जब वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी हमारे मोदी जी ने लाए तो हम भी चाहते हैं कि हर जगह ये चीज़ आज भी रहे कि वन नेशन वन टैक्स ही रहे। ये आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आज पूरे प्रदेश में जितने भी चैप्टर्स हैं हर शहर में वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें हम अपना एजेंडा हर पॉलिटिकल पार्टी के चाहे विधायक हों, सांसद हों शहर में या उनके जिले